न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले नजर डालें हेडलाइंस। दुर्ग में सड़क संधारण में बरती जा रही अनियमितता को लेकर भाजपाइयों में आक्रोश। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मिलकर दर्ज कराई शिकायत। नगर पालिक निगम दुर्ग अंतर्गत चल रहे इंटरकनेक्शन कार्य के चलते दो दिन पानी आपूर्ति रहेगी बाधित। जल कार्य विभाग ने लोगों से पानी स्टोर करने की अपील। और स्वच्छता अभियान टीम ने कोहका हाउसिंग बोर्ड में चलाया स्वच्छता अभियान। भिलाई नगर निगम के सभापति हुए शामिल। समिति के कार्यों की प्रशंसा। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग में जी रोड उन्नयन के कार्य में दोहरा मापदंड का आरोप लगाते हुए भाजपा के पदाधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दुर्ग के हृदय स्थल से गुजरने वाले जीई रोड का उन्नयन कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत सड़क के दोनों ओर चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ है। इस कार्य में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी से मुलाकात की और चौड़ीकरण के कार्य में दोहरा मापदंड अपनाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के कार्य में अनियमितता बढ़ती जा रही है और सड़क की शुरुआत से जो चौड़ाई ली गई थी उसे मनमाफिक ढंग से कम ज्यादा किया जा रहा है। उन्होंने सड़क के किनारे बन रही नालियों की चौड़ाई को लेकर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने साफ कहा कि नाली की चौड़ाई में भी फेरबदल कर सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने इन तमाम अनियमितताओं को लेकर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा और सड़क चौड़ीकरण के कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं पर विराम लगाने की मांग कर डाली। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर समय रहते लोक निर्माण विभाग ने अपनी गलतियों का सुधार नहीं किया तो भाजपा उग्र आंदोलन कर अपना विरोध दर्ज कराने मजबूर होगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 195 सप्ताह में कोहका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान नव निर्वाचित सभापति गिरवर बंटी साहू का सम्मान किया गया। सभापति ने टीम के कार्यों की सराहना। स्वच्छता ही सेवा समिति स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 195 सप्ताह में कोहका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और पार्क में वृहद रूप से अभियान चलाया गया। पार्क में फैले झिल्लियां, डिस्पोजल खाद्य पदार्थों के पैकेट सहित सूखी पत्तियों को एकत्र कर निर्धारित स्थल में फेंका गया। अनुपयोगी जंगली गाजर घास की कटाई की गई। अभियान में स्थानीय बच्चों ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। स्वच्छता अभियान में नगर निगम भिलाई के सभापति गिरवर बंटी साहू भी उपस्थित हुए। यहां समिति सदस्यों द्वारा सभापति का सम्मान किया गया। सभापति ने सभी जगह स्वच्छता बनाए रखने की अपील करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आज वार्ड क्रमांक 12 में स्वच्छता ही सेवा की टीम आज हमारे वार्ड में सफाई जागरूकता अभियान चलाया गया। मैं तो सबसे पहले स्वच्छता टीम को तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और प्रयास से जागरूकता ऐसा बनाए कि पूरे क्षेत्र सफाई हो जाए, और इसी बात को मैं रखते हुए और इसमें हमारे स्वच्छता टीम में कई किसान भाई है उसके साथ आप सभी जुड़े और धीरे धीरे करके पूरा गली वार्ड पर्दे जहाँ भी गंदगी है धीरे धीरे हम पूरे सभी मिलकर सफाई करेंगे। मैं गिरवर बंटी साहू वार्ड क्रमांक 12 का पार्षद हूँ और सभापति भी हूँ। स्वच्छता ही सेवा समिति के अध्यक्ष और नगर पालिक निगम रिसाली के पूर्व एल्डरमैन प्रेमचंद साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसा कि आप सबको पता है स्वच्छता ही सेवा है, इन्हीं भावनाओं को लेकर एक सार्वजनिक स्थल को साफ सफाई करते हैं हर सब रविवार को, और आज हम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास उपस्थित हुए हैं स्वच्छता अभियान करने के लिए। यहाँ पे इस वार्ड में सभापति का भी चयन किया गया है माननीय श्री बंटी साहू जी का, उनका भी सम्मान किया गया है। निश्चित रूप से मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, लोगों को अपने आसपास को स्वच्छ रखें तभी हम बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। हमारा जो भिलाई है
हमारा जो रिशाली है, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, स्वच्छ मुक्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप सभी लोगों से विनम्र अपील, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अपने आसपास को स्वच्छ रखें, और लोगों से भी अपील है कि वह श्रमदान के रूप में हमारा साथ दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। हमारा यह अभियान हर रविवार को सुबह 7 बजे सार्वजनिक स्थल को लेके होता है। आप भी शामिल हो सकते हैं, आप भी इसका संदेश प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। धन्यवाद। मैं प्रेमचंद साहू, अध्यक्ष स्वच्छता ही सेवा संघ। इस अवसर पर मुख्य रूप से समिति के हर्षदेव साहू, भुवन साहू, नवनीत हरदेव, राजू उके, रवि साहू, परसराम साहू, हेमंत कुमार आदि सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग नगर निगम द्वारा इंटर कनेक्शन कार्य किए जाने को लेकर शटडाउन किया जा रहा है, जिसके चलते शहर के कुछ वार्डों में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। इस असुविधा के लिए निगम आयुक्त व महापौर ने शहर की जनता से खेद व्यक्त किया। दुर्ग नगर पालिका निगम ने शासकीय लोक कर्म विभाग के द्वारा मालवीय नगर स्थित पुरानी पुलिया को तोड़ने का कार्य शीघ्र चालू किया जा रहा है, जिसके चलते गुरुवार 20 जनवरी को इंटर कनेक्शन बंद कर पुरानी लाइन को बंद कराकर शिफ्टिंग किए जाएंगे, पाइपलाइन से सप्लाई किया जाएगा। इसके चलते दीपक नगर वार्ड 23 आमदी गुरुद्वारा नगर, वार्ड 24 वार्ड 47 रायपुर नाका, वार्ड 48 पुलिस लाइन एवं वार्ड 29 के कुछ जगहों में 20 जनवरी की सुबह तक पानी की सप्लाई जारी रहेगी। वहीं 20 को शाम व अगले दिन 21 को सुबह व शाम दोनों टाइम शटडाउन के लिए जाने के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी, जो 22 से सप्लाई चालू भी की जाएगी। गौरतलब है कि शहर के जल प्रदाय प्रभावित 5 क्षेत्रों में वार्ड के नागरिकों को होने वाली असुविधा के लिए महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरीश मंडावी एवं जल कार्य विभाग प्रभारी संजय कोहले ने खेद प्रकट करते हुए अपील की है कि गुरुवार शाम को और अगले दिन शुक्रवार 21 को सुबह एवं शाम के लिए आवश्यक मात्रा में पानी स्टोर कर लें। वहीं आवश्यकता अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से पानी सप्लाई की जाने की बातें उन्होंने कही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। बेड शीट्स और ब्लैंकेट्स पे 50% ऑफ, फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच सिर्फ 1999 में, मेंस, लेडीज और किड्स फैशन पे बाय वन गेट वन फ्री। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी, पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हाँ, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध है। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा।
चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है। अभी यहाँ पर जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल चाइनीज सारी वेराइटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 07884230926। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पूरी डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा। स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित, आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधारकर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर सुपेला भिलाई छत्तीसगढ़। फोन नंबर 777-30-777-111-777-30-777-222। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। सबसे सस्ती चना दाल 1 किलो सिर्फ 59 रुपीज में, सबसे सस्ता देसी घी 1 लीटर सिर्फ 364 रुपीज में, सबसे सस्ते होम एसेंशियल्स सिर्फ 99 रुपीज में। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी, पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ये बढ़े आगे की खबरों की ओर। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रवर्तन विभाग नगर सेवाएं द्वारा टाउनशिप क्षेत्र के विभिन्न आवासों से अवैध कब्जेधारियों को बेदखल करने कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान सेक्टर 4 के एक बंगले को भी अवैध कब्जेधारी से मुक्त कराया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रवर्तन विभाग नगर सेवाएं द्वारा टाउनशिप के मकानों में अवैध रूप से काबिज लोगों को निकालने लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नेवई, उतई, मरोदा आदि क्षेत्रों में BSP की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करने वालों के कब्जों को तोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में प्रवर्तन विभाग द्वारा संपदा न्यायालय के आदेशानुसार टिकरी पारी सेक्टर 4 स्थित एक बंगले को कब्जाधारी से मुक्त कराया गया। कब्जाधारी द्वारा 2 वर्षों से बंगले पर कब्जा कर रखा गया था। अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ लगातार जारी कार्रवाई से ऐसे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है जिन्होंने अपनी व्यवस्था से मकानों में कब्जा कर उन्हें किराए पर दे रखा है। साथ ही बकायदा किराए की राशि प्रतिमाह या एक मुश्त ली जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग जिले में कार्यरत मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के सदस्यों ने दुर्ग में गांधी चौक के समीप दिया धरना। अपनी
14 सूत्रीय मांगों को लेकर की जमकर नारेबाजी। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर दुर्ग जिले में कार्यरत मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के सदस्यों ने गांधी चौक के समीप एक दिवसीय धरना दिया और केंद्र व प्रदेश सरकार से संबंधित अपनी 14 सूत्रीय मांग रखी, जिसकी जानकारी देते हुए दुर्ग जिला मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के सचिव विवेक सतर्के ने कहा कि उनकी मांगों में दवाओं को GST मुक्त करना, स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण बंद कर स्वास्थ्य क्षेत्र में GDP का 5% खर्च सुनिश्चित करना व दवा एवं विक्रय प्रतिनिधियों के लिए 26,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन घोषित करने सहित 14 सूत्री मांगे प्रमुख है, जिन्हें पूर्ण कराने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन कर आवाज बुलंद की जा रही है। इसी के अंतर्गत दुर्ग जिला मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। धरना प्रदर्शन के दौरान दुर्ग जिला मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के सदस्य बड़ी संख्या में धरना स्थल पर मौजूद रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मांगे हैं उनमें सबसे पहली मांग जो है वो लेबर लॉज जो है उसको लेबर कोड में चेंज किया है, ये मान्य नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे सारे लोगों की जो सर्विसेज है वो उसमें सुरक्षित थी और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किया है। दूसरी जो डिमांड है वो है कि 0 GST किया जाना चाहिए जितने भी प्रकार की दवाइयाँ हैं, क्योंकि आम आदमी की पहुँच से बाहर होती जा रही है GST लगाने के बाद। तीसरी डिमांड ये है कि जो GDP हमारी जो है उसका 5% जो है हेल्थ केयर में खर्चा करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ी डिमांड है हमारी, क्योंकि यदि खर्चा नहीं करेंगे तो हेल्थ सेक्टर में जो है वो लोग खस्ता हाल होते जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी प्रकार के जो कानून बने हुए नियोक्ताओं को कंट्रोल करने के लिए, उन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ये इस प्रकार की हमारी डिमांड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से हमारी डिमांड ये है, क्योंकि हम लोग हाईली स्किल्ड लोग हैं, हमको जिस कैटेगरी में रखा गया है वो हाईली स्किल्ड है, तो हमारा जो वेतनमान है वो 26,000 रुपये मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे नियोक्ता है उनके ऊपर सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट जो है उसको कड़ाई से कानून लागू करवाना चाहिए, जो इस क्षेत्र में इस रीजन में, इसकी भी एक हम डिमांड करते हैं। इसके अलावा हमारे जो काम करने की जगह है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया या सरकारी अस्पताल हो गया, इसमें हमको कानूनी रूप से हमको वैधता मिलनी चाहिए काम करने की। कई जगह में देखा जाता है कि लोगों को वापस कर दिया जाता है या डॉक्टर बोल देते कि नहीं, यहाँ अलाउ नहीं है, जबकि हम लोग जो है अथॉराइज्ड है काम करने की। तो काम करने की जगह जो है हमारी वो सुनिश्चित होनी चाहिए, काम के घंटे फिक्स होने चाहिए। 8 घंटे हम काम करते हैं, जैसे कि बाकी के लोग काम करते हैं बैंक यूनियन वगैरह, तो हमारे भी काम के घंटे फिक्स होने चाहिए। नियोक्ताओं से हमारी डिमांड ये है कि जितने भी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट बने हुए हैं उनका कड़ाई से वो पालन करें। हमारी छुट्टी है या हमारे जो मेटर्निटी लीव महिलाओं को जो मिलती है वो पूरी तरह से मिलनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से नियम बनाए उन नियमों का पालन जो है उनको सीखिए। ये अखिल भारतीय स्तर पर हो रहा है, पूरे देश में ये आज की एक दिवसीय हड़ताल की जाए। आगामी आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? आगामी हो सकता है अगले महीने यदि और कोई रूपरेखा हमारा ऑर्गेनाइजेशन से आती है तो 2 दिवसीय स्ट्राइक की जाएगी। अपना परिचय बताएं। मैं विवेक सतर्के हूँ, हमारी यूनियन दुर्ग का सचिव। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महापौर नीरज पाल ने टीकाकरण महाअभियान में शहर के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। महापौर ने वैक्सीन लगाने आए लोगों को प्रोत्साहित कर बूस्टर डोज लगाने आए बुजुर्गों से चर्चा कर उनका भी कुशल क्षेम जाना। टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत महापौर नीरज पाल ने विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। महापौर ने टीकाकरण की स्थिति का जायजा लेकर लोगों को वैक्सीन लगाने प्रेरित किया। बूस्टर डोज लगाने आए सीनियर सिटीजन से चर्चा कर उनका कुशल क्षेम पूछा। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने सुबह सभी वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण किया। आयुक्त ने टीकाकरण महाअभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बुधवार को शहर के 58 सेंटरों में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं ग्रैंड एशियन न्यूज।
अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। सबसे सस्ती तूर दाल 1 किलो सिर्फ 89 रुपीज में। सबसे सस्ती टाटा टी 1 किलो पे बाय 2 गेट 1 फ्री। सबसे सस्ता टाइड 6 किलो पे 180 रुपीज की बचत। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस, ये वायरस जन्य रोग है। इस ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हर्पिस सिंप्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिंप्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे, और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेशन, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टेरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल। स्वीट होम अवे फ्रॉम होम, पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना KC लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। आइए शुरू करें खबरों का सिलसिला। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव जिले के छुई खदान स्थित मंगल भवन में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा। वहीं उन्होंने टिकट के दावेदारों को 2 टुक लहजे में कहा कि टिकट शक्ति प्रदर्शन से नहीं, उनके काम के आकलन से मिलेगा। गौरतलब है कि जनता कांग्रेस जे से खैरागढ़ विधायक रहे स्वर्गीय देवव्रत सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है और अब इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। देखिए, संगठन का काम सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, मगर संगठन अपना काम करते रहता है। जब भी कोई चुनाव हो, उस चुनाव में दमदारी के साथ संगठन खड़े होकर चुनाव लड़ सके, हम पूरे प्रदेश में हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं। 10 लाख छत्तीसगढ़ को सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है, और हम लोग बूथ कमेटियाँ 2018 में भी बूथ कमेटियों को
हमने मतदान किया था, बूथ जीतेंगे तो हर चुनाव जीत सकते हैं। इसीलिए बूथ कमेटियों का भी गठन प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है ताकि 2023 का चुनाव, 2024 का चुनाव हम मतदाता के साथ लड़ सकें, वो हमारी तैयारी है। और आप सबको पता है खैरागढ़ में संभावित उपचुनाव भी है, इसीलिए हम कार्यकर्ताओं को नब्ज टटोलने, कार्यकर्ताओं को बूथ कमेटियों के साथ करने, सदस्यता अभियान चलाने के लिए कार्यकर्ताओं को ये निर्देश हमने दिया है। देखिए हम लोग एक संगठन के मुखिया होने के नाते मेरे मन में कभी अध्यक्ष की भावना नहीं है, मुझे मेरे मन में एक कार्यकर्ता की भावना है। पार्टी ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे काम करने का अवसर दिया है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की रीति नीति परंपरा, कांग्रेस पार्टी को हम जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत करें उसके लिए काम करते हैं। अभी हमने नगरीय निकाय चुनाव में इतिहास में पहली बार 14 के 14 नगर निगम जीते, जो 3 उपचुनाव हुए हैं, जो असंभव लगता था दंतेवाड़ा उपचुनाव, मरवाई उपचुनाव, उसको भी हमने जीता, और खैरागढ़ उपचुनाव भी हमारे लिए चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम जमीनी स्तर पर काम करेंगे। हमें लगता है कि कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पे ये चुनाव भी जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 3 साल का जो कार्यकाल है इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम की है, इसीलिए नीति आयोग, रिजर्व बैंक, अन्य सूबों की सरकार छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की तारीफ हो रही है। आज एक रोल मॉडल, कभी गुजरात मॉडल की बात होती थी, आज छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार। और कांग्रेस पार्टी ने जो छत्तीस वादों में हम 24 वादों से ज़्यादा अधिक वादे पूरा किए हैं, बचे 2 वर्षों में हमारी सरकार के कार्यकाल बचे हैं, उस कार्यकाल। सड़क दुर्घटना में अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आईरेट नामक एक समिति का गठन किया गया है, जो कि सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करती है, जिसके तहत कुछ दिनों पूर्व पावर हाउस में हुई एक दुर्घटना जिसमें एक पत्रकार युवती की मृत्यु हुई थी, इस दुर्घटना की जांच करने मंगलवार को एक टीम घटना स्थल पहुंची। इस टीम में ट्रैफिक DSP गुरजीत सिंह, PWD अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी एवं आईरेट के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने दुर्घटनाओं में रोक लगाने के लिए बनाई गई समिति के बारे में मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। जी, आईरेड एक ऐप है जो यातायात पुलिस, RTO और PWD या हाईवेज जो डिपार्टमेंट, जहां भी एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि कहीं पर भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो 3 कारणों से हो सकते हैं, रोड की खामियां, या जो RTO यानी गाड़ी या गाड़ी या ड्राइवर की स्थिति, और तीसरा पुलिस जो वहाँ पर मैनेजमेंट देख रही है। वो तीनों के बेसिस पे हम ये जानना चाहते हैं कि दुर्ग बिला या छत्तीसगढ़, एक्चुअली 17 स्टेट्स को चुना गया है, आईरेड एक ऐप लॉन्च किया गया है जिससे कोई भी एक्सीडेंट की जानकारी तुरंत मिल जाएगी, कहाँ पर हो रहा है और किन कमियों के कारण रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये हम जानने के लिए यहाँ पर आज जॉइंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जॉइंट इंस्पेक्शन के थ्रू हमें खामियाँ पता चल जाएंगी जिस भी डिपार्टमेंट की होंगी, और अगर डिपार्टमेंट लेवल पे नहीं है तो फिर रोड पे हम क्या सुरक्षा उपाय कर सकते हैं, उन उपायों को देखने के लिए आज हमने यहाँ पर जॉइंट इंस्पेक्शन किया। तो मैं हाईवे से हूँ यहाँ। सर, ये मैं पहले बताऊँ, मैं विपिन देवांगन, आईरेड प्रोजेक्ट का दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर। जैसे कि आप जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं अपने यहाँ बहुत हो रही छत्तीसगढ़ में, जिसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, तो केंद्र सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से एक प्रोजेक्ट लॉन्च की गई है आईरेड। इसमें क्या होता है कि जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका विश्लेषण किया जाता है कि कारण क्या है। इसके लिए 4 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जैसे कि हेल्थ, सड़क दुर्घटना के बाद कितनी जल्दी आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, इसके लिए हेल्थ है, और इसमें नोडल अधिकारी CMO दुर्ग CVS ठाकुर साहब हैं। पुलिस, तो हर चीज़ के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को जोड़ा गया है। पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रैफिक, जो हमारे DSP साहब है श्री गुरजीत सिंह साहब, वो नोडल बनाए गए हैं, और PWD सड़क दुर्घटना है, कभी कभी सड़क में सड़क के सही ना होने का कारण भी होता है, इसके लिए PWD को रखा गया है। इसमें स्मिता पानीगिरी मैडम जो है PWD के SDO हैं, उनको नोडल बनाया गया है, और RTO वाहन के संबंध में समझ जानकारी RTO से मिलती है, इसलिए RTO को भी जोड़ा गया है इसमें। इसमें वही है कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम किया सके, मृत्यु दर रोका जा सके, ताकि आने वाले भविष्य में सब मृत्यु दर कंट्रोल हो सके और सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके, ताकि सबका, सारे डिपार्टमेंट का काम हल्का हो सके या कम हो सके। और जैसे कि देखिए कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, यही जांचने आए कि कारण क्या है। वर्तमान में यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी है, वो कोशिश करते हैं, पुलिस अपनी तरह कोशिश करती है, लेकिन लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं। इतना कहूँगा लोगों से, जनता से, कि पुलिस के नियमों का पालन करें, यातायात के द्वारा चलें, अनुसार चलें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।
ये राज्य शासन और केंद्र सरकार की एक नई योजना है IRDA, इसके अंतर्गत सड़क सुरक्षा को लेके एक वेबसाइट एक ऐप डेवलप किया गया है। ऐसे स्थान जहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं और जनहानि होती है, किसी की मृत्यु होती है, ऐसी दशा में संयुक्त रूप से जो विभाग हैं उस स्थल का निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के पश्चात प्रयास करते हैं कि वहाँ पे जो भी कमियाँ थीं उनको तत्काल दूर करके और ताकि भविष्य में वहाँ पे एक्सीडेंट ना। तो उसी के अंतर्गत आज ये पहले बार प्रयास किया गया हमारे द्वारा, ऐसे स्पॉट में जहाँ पे एक मृत्यु हुई थी वहाँ पे हम लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें एक वेब पोर्टल के न्यूज़ एंकर की डेथ हो गई थी, तो ये अभी आईरेड एक ऐप है भारत शासन का और मोर्थ का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है और MVA की धारा 135 में भी हमको निर्देश है कि जो भी एक्सीडेंट होते हैं जहाँ पर किसी की मौत होती है तो सड़क दुर्घटना सड़क घटना स्थल का संयुक्त रूप से RTO और सड़क निर्माण एजेंसी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाना है। उसी तारतम्य में हम यहाँ निरीक्षण करने आए थे और कारणों को खोज रहे थे कि कैसे क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ और उसके कारणों को खोज के उसका निदान करने की कोशिश करेंगे, उसको रेक्टिफाई करना है कि आगे भी इस जगह पर सड़क दुर्घटना ना हो। उसी क्रम में हम आज यहाँ आए थे। जैसे यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं कि वो लापरवाही है, एक सड़क से नीचे उतरे और नियंत्रण खो दी थी वो ड्राइवर थी जो लड़की थी और स्किड होके वो गिर गई थी सड़क पे और गिरने के कारण जैसे देख रहे होंगे आप यहाँ पर अभी डाइवर्सन है ट्रैफिक का, तो यहाँ सावधानी पूर्वक हमको गाड़ी चलाना चाहिए। उन्होंने सावधानी किया जिसके कारण उनको ठोकर लगी और वो गिर गई सड़क पे और उनकी जान चली गई। इसके तहत एजेंसी नियुक्त किया गया है जिसमें चार प्रमुख विभाग होते हैं, स्वास्थ्य विभाग और PWD विभाग, RTO और प्रशासन के लोग रहते हैं। तो इसमें जिम्मेदारी यही रहती है कि हम कम से कम इन जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए ये प्लानिंग हुआ है। गत महीने में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी आए थे, इस संबंध में मीटिंग लिया था सभी विभागों से और सभी विभागों की जवाबदारी बताई गई थी और उसके तहत पालन करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें मुख्य रूप से होता है रोड की व्यवस्था, टर्निंग वगैरह ना हो, जहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हों उन पर चिन्ह अंकित करें और उस पर धीमी गति करें, इस टाइप का। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों में व्यवस्था, तत्काल सुविधा उपलब्ध हो और वहाँ उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, है ना, ट्रॉमा सेंटर्स खुलें, तो इस टाइप का अलग अलग जवाबदारी दी गई है। RTO का बिना चलान के गाड़ियाँ चलती हैं या RTO टैक्स नहीं रहता, पुरानी गाड़ियाँ चलती है, स्पीड में चलती हैं, इस टाइप की गाड़ियों पर रोकथाम लगे ताकि हम लोग दुर्घटना जो होते हैं और उससे डेथ होते हैं उसको कम कर सकें, तो इसका उद्देश्य यही था। तो उसके अनुसार ही हमारे ज़िले में एक कार्य चल रहा है और सभी लोग अपने विभाग के प्रति, अपने कार्य के प्रति सजग हैं और हम सब लोग इसको ध्यान देते हुए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को कम करने में जुटे हुए हैं। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी दर्शकों से एक अपील, कोरोना का खतरा अपनी तीसरी लहर के साथ अब भी दस्तक दे रहा है, बेहतर है आप सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।